उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भरतपुर के दौरे पर हैं। लक्ष्मण मंदिर में दर्शन उन्होंने किए। बार एसोसिएशन में कार्यक्रम आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति। एक तरीके से लिखित बहस मुझे प्रस्तुत कर दिया। आई कैन नेवर फॉरगेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई करियर फॉर्मेशन। गुरुराज गोपाल जी खंडेलवाल, इन्होंने मेरे में एक विकार पैदा किया बार काउंसिल चुनाव लड़ने का। इनका साथी रहा कनिष्ठ साथी, इनका एक मिशन रहा है कि वकालत की पढ़ाई में गुणात्मक सुधार आए, और ये इनके दिल में बात रही है। लंबा परिचय है मेरा इनसे। राजेंद्र श्रीवास्तव जी, राजेश मित्तल जी, श्रीनाथ शर्मा जी, देवेंद्रनाथ गुप्ता जी, रघुवेंद्रनाथ शर्मा जी, प्रमोद जी, रामलाल रमन जी, इन पर उम्र का असर नहीं होता। ये बड़ी जांच का विषय होना चाहिए। गंगा सिंह जी, जिन्होंने मेरी मदद की और जो दुनिया में नहीं है, उनके नाम तो मैं पूरे नहीं ले पाऊंगा, पर एनपी शर्मा जी उनमें एक है। एनपी शर्मा जी ने मेरी मदद अदर साइड से की। उस समय टक्कर यहां होती थी धर्म गोपाल चतुर्वेदी और एनपी शर्मा जी, और वो टक्कर प्रेम की होती थी। न्यायालय में जटिल बहस के पश्चात दोनों में जो संबंध थे वो हम सबके लिए प्रेरणादायी। पर मुझे दो फायदे होते थे। धर्म गोपाल जी भरतपुर में हारते थे तो मैं मुकदमा जीतता था इनकी बदौलत जयपुर में, और एनपी शर्मा जी जब हारते थे तो मुझे पहले से हिदायत दी जाती थी अपने को अपोज करना है। देवेंद्र यादव जी रेवन्यू में अपने किस्म के एक अलग वकील थे। राजा मानसिंह जी ने उनका परिचय मेरे से कराया। मैंने कहा राजा साहब आपका क्या लेना देना, बोला मैं तो इनको मुकदमों की वजह से जानता हूं, मेरे जमीन के मुकदमों में बहुत मदद करते।